हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए एमओआई सर्टिफिकेट के बारे में कि माय फ्रेंड्स क्या होता है एमओआई सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत क्या होती है। जो स्टूडेंट्स आज के समय में बाहर जाना चाह रहे हैं लगातार, उनसे एजेंट्स रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं एमओआई सर्टिफिकेट की। माय फ्रेंड, जो एमओआई की फुल फॉर्म होती है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब होता है हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर आपने अपना एमबीए का कोर्स किया या कोई भी कोर्स आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मान लीजिए किया है, तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या था, मतलब किस माध्यम से आपने करी है, लैंग्वेज क्या थी। माय फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश में किया है, इंग्लिश मोड था आपका, तो आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई बीए इन पंजाबी की है तो आपका पंजाबी रहेगा। अगर आपने एमए इन हिंदी करी है मान लीजिए, तो आपका मोड जो है हिंदी रहेगा। तो वो एमओआई सर्टिफिकेट के द्वारा जो बाहर के की जो कंट्रीज हैं वो जानना चाहती हैं कि पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है जो उस कंट्री की है, मैक्सिमम जैसे मान लीजिए इंग्लिश के लिए इसको बोला जाता है कि इंग्लिश जो है बच्चा कितना बोल सकता है, क्या वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो है एमओआई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है आज के समय में, जो कि बाहर की जो कंट्रीज हैं वो डिमांड कर रही हैं एम्बेसी के थ्रू। तो माय फ्रेंड्स, इसीलिए आपको अपना एमओआई सर्टिफिकेट जो है इशू करवाना है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एमओआई सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकती है माय फ्रेंड्स। अगर आप वहाँ पर जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि क्लर्क को उसके बारे में ना पता हो, डीपली अगर आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे और एमओआई सर्टिफिकेट उनको दिखाएंगे कि ऐसा होता है, गूगल पे चेक करवाएंगे, तो आपको एमओआई सर्टिफिकेट ज़रूर इश्यू करेंगे माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोज हम और भी बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।